गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम यहाँ पर आते हैं या कहीं पर भी रहते हैं, तीन चीज़ें हमारे को ज़रूर चाहिए चाहिए, पैसा, रोटी और मकान। यहाँ कह सकते हो रोटी, कपड़ा और मकान। इस वीडियो को बनाने के पीछे एक मकसद है कि आप लोगों को पता लग सके कि यहाँ पर रेंट पे भी घर मिलना बहुत मुश्किल होता है। मौसम अच्छा आ रहा है, अप्रैल मई का जो महीना होता है ना साउथ ऑस्ट्रेलिया में, मुझे एडिलेड का पता है, बाकियों का नहीं पता, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पर सारे जो ट्रीज के कलर है वो चेंज हो जाएंगे, तो धीरे धीरे झड़ने लग गए हैं, अब दूसरे पत्ते आएंगे वायलेट कलर के, पर्पल कलर के, ऑरेंज कलर के, मज़ा आ जाएगा। देखो, आप दो तरीके के साथ यहाँ पर घर जो है रेंट पे ले सकते हो, या तो डायरेक्ट ओनर से या रियल एस्टेट एजेंट्स जो होते हैं उनसे। डायरेक्ट ओनर से अगर आपने कॉन्टेक्ट करना है, उसके बेनिफिट क्या हैं, इतने ज़्यादा आपको पेपर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कई जगह पर रेंटल हिस्ट्री की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ओनर से डायरेक्ट कैसे कॉन्टेक्ट किया जाए, फेसबुक मार्केट के ऊपर आपको वो मिल सकते हैं डायरेक्ट ओनर्स, ठीक है। और कई लोगों ने भी डाली होगी ऐड कि हम लीज़ ब्रेक करने वाले हैं। लीज़ ब्रेक का मतलब ये है कि आपकी अगर एक साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और बीच में अगर आपको जाना पड़ जाए कहीं पर, छोड़ के कहीं और घर लेना पड़ जाए या कोई भी कंडीशन आ जाए, तो आप उसको कहते हैं लीज ब्रेक, तो वो लीज ट्रांसफ़र हो जाती है। वो सबसे बढ़िया मौका है कि जब कोई लीज ट्रांसफ़र करता हो तो आप उससे ले लो और आपकी रेंटल हिस्ट्री भी बन जाएगी, ठीक है। नहीं तो डायरेक्ट ओनर से आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा फेसबुक मार्केट के ज़रिए और वो आपको बताएगा क्या क्या चीज़ें चाहिए। अब शुरू में जब आप आओगे, आपकी तो कोई रेंटल हिस्ट्री होगी ही नहीं, तो आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है अपना घर लेने के लिए, अपने नाम के ऊपर लीज लेने के लिए। लेकिन डरने वाली बात नहीं है, आप किसी के साथ भी रहते हो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जो रूम का किराया आएगा वो आप दे सकते हो, वो भी आपकी रेंटल हिस्ट्री बन रही है, ठीक है। जैसे शुरू में नए नए जब आए थे, मैं भी आया था, किसी के साथ ही रहा था, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी रेंटल हिस्ट्री नहीं बनेगी। रेंटल हिस्ट्री ज़रूर बनेगी, लेकिन जब आपकी रेंटल हिस्ट्री बन जाएगी तब आप अपना अप्लाई करना शुरू कर दो। अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो, जब सिंगल आ रहे हो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं यही कहता हूँ अलग से घर लेने की ज़रूरत नहीं है, या ले भी लो साथ के कमरे को भाड़े पर जुड़ा दो, इतना किराया क्यों देना। तो डायरेक्ट ओनर से लोगे तो वो वहाँ पर रेफरेंस भी पूछेगा और रेफरेंस को कॉल भी जाता है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ नाम का रेफरेंस पूछा उसने, रेफरेंस को कॉल भी जाते हैं। जब मैंने अप्लाई किया था, अपने फ्रेंड का रेफरेंस अप्लाई किया था, उसको कॉल आई थी कि बंदा कैसा है, क्या करता है। और जब आप ओनर से लोगे वो भी आपसे पूछेगा कि भाई क्या करते हो, क्या आपका काम है, उसको खुल के बताओ कि मेरा ये काम है। ऑब्वियस ही बात है, हर कोई बंदा उसको पहले प्रेफरेंस देगा जो इनकम अच्छी हो, उसको परेशानी ना हो रेंट देने में, ठीक है जी। तो मैंने भी ओनर से लिया था। अब बात आती है जी रियल एस्टेट एजेंट से, अगर आप रियल एस्टेट एजेंट से करते हो अप्लाई। अब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं, रियल एस्टेट एजेंट की, वो आपसे मांगेगा 100% ID, ठीक है। सारी चीज़ें ऑनलाइन आपको अप्लाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, मैं ढूंढ रहा था 3BHK घर, हालांकि मेरी रेंटल हिस्ट्री 2 साल की है और फिर भी मुझे घर नहीं मिल रहा था, ठीक है। अप्लाई किया हुआ है 3BHK रूम का, जो अभी रेंट चल रहा है 450 से लेकर 500 तक आपको पर वीक में मिल सकता है आराम से, $450 से लेकर $500 एक हफ्ते का ऑस्ट्रेलियन डॉलर आपको मिल जाएगा यहाँ पर एडिलेड में। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में घर लोगे, महंगा भी हो सकता है, सस्ता भी हो सकता है, और ये भी डिपेंड करता है कि घर कितना पुराना है, कितना नया है और कौन सी लोकेशन पे है। तो नॉर्थ और ईस्ट जो ये इलाके हैं एडिलेड में, बहुत अच्छे इलाके हैं, ऐसा मैंने सुना भी है और देखा भी है। मैं अभी ईस्ट में रहता हूँ, ठीक है। तो रियल एस्टेट एजेंट के साथ अगर हम
अप्लाई करते हैं तो बहुत झंझट है। झंझट क्या है कि आपको सबसे पहले फॉर्म वगैरह भरने पड़ेंगे, ऑनलाइन करना पड़ेगा, अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ेगी उनके पोर्टल के ऊपर। हर एक एजेंट की अलग अलग प्रोफाइल होती है, ठीक है, और वही चीज़ों को आपको दोबारा फिल करना पड़ेगा और उस फॉर्म के अंदर आपका नाम आएगा, आपकी हिस्ट्री आएगी, आपके साथ जो रहने वाले हैं उसकी हिस्ट्री आएगी, आपकी पे स्लिप्स ऐड होंगी, मतलब उसने 100 point ID जो आइडेंटिटी चेक होता है वो ऐड होगा, जिसके अंदर आपका पासपोर्ट आ सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और भी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आप रह रहे हो तो, ठीक है, उसके अंदर हिस्ट्री। फिर मैं एजेंट से पूछा कि मैं इंस्पेक्शन करने के लिए गया, ठीक है, जब आप अप्लाई करोगे इंस्पेक्शन के लिए, ये भी नहीं है कि हमने अप्लाई कर दिया हमारे को घर सीधा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है, आपने इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करना है। यहाँ पर सारे इंस्पेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं, फिर वो इंस्पेक्शन करवाते हैं, फिर उसके बाद उसी टाइम कह देते हैं कि हम आपको लिंक भेजेंगे या आपको बता देंगे कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने एक बार एजेंट से पूछा कि आप कौन से बेसिस के ऊपर अप्लाई करते हो, क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था जब शुरू में, जब मैं घर नहीं ले पा रहा था, तो उसने कहा था कि जब तू घर देखने जाएगा ना तो उसको $5-10 ना ज़्यादा दे देना। एक टैक्सी ड्राइवर था, इंडियन बंदा था, उसने मुझे सलाह दी कि अगर तेरे को घर नहीं मिल रहा है ना, मान लो उसका जो रेंट है वो है 450, तू कह दे कि मैं 460 दूंगा, तेरी प्रायोरिटी ऊपर बढ़ जाएगी। ऐसा ही मैंने एक एजेंट से पूछा और उसको कहा कि मुझे घर की ज़रूरत है, अगर मैं 450 की जगह 460 दे दूँ, आपको $10 ज़्यादा दे दूँ, तो क्या ये मुझे घर मिल सकता है, ठीक है। उसने मुझे कहा कि नहीं, हम ये जो सारे डिस्कशन हैं, आप अप्लाई करो, अपना रेट अप्लाई करो, हम अपना ये जो आप भेज रहे हो ओनर के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि ओनर के साथ डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी है, उसका घर है। रियल एजेंट जो है एक तरह का ब्रोकर हो गया। अब कई लोग यहाँ पर ऐसा ही करते हैं कि अपना घर होता है, खुद भी तो हम कर ही सकते हैं, सारे पैसे खुद भी तो रख सकते हैं, नहीं। अगर आप टेंशन लेना चाहते हो, जैसे कि कोई चीज़ ख़राब होगी घर पर, आपको वो करवानी पड़ेगी, या कुछ भी हो गया, नुकसान वगैरह हो गया, या अगर हमारी गलती नहीं होगी तो, अगर वैसे ही हो जाता है तो वो आपको करवाना पड़ेगा। अदरवाइज एजेंट के ज़रिए अगर आप अप्लाई करवाते हो अपना घर एज ए ओनर, जैसे मैं ओनर हूँ, किसी को कराना है, वो आपकी सिरदर्दी नहीं होगी, एजेंट ने हर हफ्ते अपना पैसे ले लेने हैं उस रेंट में से, और उसकी सिरदर्दी है कि अगर कोई टूटता है या ख़राब होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, हम जो रेंट कर रहा है वो ओनर को नहीं करेगा कॉन्टैक्ट, वो रियल एस्टेट एजेंट को करेगा। सो एक तरह का बेनिफिट भी है, टेंशन फ्री हो जाओ, आपको अपना किराया मिल रहा है, जो मर्जी होते जाए सारी बात आ जाती है रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर, और जो रह रहा है उसके ऊपर, वो अपने आप जाने। तो मैंने उससे पूछा कि भाई अगर मैं आपको 450 की बजाय 460 दे दूं तो क्या ये मुझे घर मिल जाएगा। उसने कहा कि हम डिस्कशन करेंगे ओनर के साथ, आपकी सारी प्रोफाइल वगैरह चेक होगी, प्रोफाइल के अंदर आपका क्या नाम है, आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी, आपकी इनकम देखी जाएगी कि क्या क्या आप कमाते हो, आपके खर्चे कितने हैं, ITR कितनी भरते हो, क्योंकि यही एक ऐसा पॉइंट है जो आपको यहाँ पर घर लेके दे सकता है। अगर आपकी इनकम भी अच्छी नहीं है, मुझे नहीं लगता कि आपको घर अच्छा मिल सकेगा, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। क्योंकि अगर आप, हर कोई यहाँ पर घर लेना चाहता है, बहुत जाने ऐसे थे जिन्होंने अप्लाई किया होता, लेकिन हर एक को थोड़ा घर मिलेगा, वो तो चूज़ करेंगे उसको। वैसे भी बहुत सारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, घर तो वैसे ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये बातों का आप ध्यान में रखो। जो रेंट है 2 BHK का अप्रॉक्सीमेटली 250 से 300 के बीच में है, तो अगर आप 3 BHK लोगे, आज की डेट में कह रहा हूँ जब ये वीडियो बन रही है, ठीक है, तो 3 BHK लोगे एवरेजली 450 और 500 के बीच में है एक हफ्ते का, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करने मत लग जाना 50 के साथ, क्योंकि जब यहाँ पर आओगे, यहाँ पर ही कमाओगे, यहाँ पर ही खाओगे, फिर आपको इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। जब दोनों जाने कमाएंगे, हस्बैंड वाइफ, तो आपको ये सारी चीज़ें सही लगने लग जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट, थोड़ा सा मुश्किल है। और एक और क्वेश्चन है कि मान लीजिए हम अपने अकाउंट में पैसे लेके आते हैं, तो हमने आके गाड़ी लेनी है, क्योंकि गाड़ी बहुत ज़रूरी है, बिना गाड़ी के यहाँ पर कुछ नहीं है, समझ लो आपकी लत ही नहीं है, चल ही नहीं सकते हो, कहाँ कहाँ जाओगे ट्रांसपोर्ट के साथ, एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होगा, ठीक है। तो मान लो आपके अकाउंट में पैसे हैं 50,000 या 60,000, आप लेके आए हो, आप काफ़ी एवरेज मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करते हो, यहाँ आपने पैसे कमा लिए हैं यहाँ पर, और आपने गाड़ी अच्छी सी लेनी है, तो क्या हमें इंस्टॉलमेंट के ऊपर ले लेनी चाहिए, फाइनेंस करवा लेनी चाहिए, कि कैश देकर ले लेनी चाहिए, बाय कर लेनी चाहिए, हालांकि हमारे पास पैसे हैं, ये आपके मन के अंदर होगा। और बहुत सारे ऐसे लोग सोचेंगे
कि हमें अपनी गाड़ी जो है फाइनेंस ना करवाते हुए खुद ले लेनी चाहिए अगर हमारे पास पैसे हैं। बट नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या इसके एडवांटेज हैं और क्या डिसएडवांटेज हैं, क्योंकि पैसा होते हुए भी अगर आप ले लेते हो तो क्या नुकसान है क्या बेनिफिट है। अच्छी नॉलेज दूंगा, ध्यान से वीडियो को देखते रहना, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और रियल एक्सपीरियंस के साथ इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में मेरी वीडियोस देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।